यहाँ पे जनरल डायर ने शूट का ऑर्डर दिया था 1650 हुए थे राउंड, 1650 राउंड। फाइनली अब बाहर आ गए हैं। अब जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है गोल्डन टेम्पल के पीछे जलियांवाला बाग, आप लोगों ने सुना होगा पहले भी, तो मैं भी पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अब गोल्डन टेम्पल से एग्जिट करोगे ना तो यहीं पे ये स्टैचू बना हुआ वाइट वाइट कलर का, यहीं पे आपको जलियांवाला बाग की एंट्री मिल जाएगी। स्टैचू है और ये है जलियांवाला बाग। वाओ, दिस इज द एंट्री। मम्मी की बहुत इच्छा थी कि जलियांवाला बाग देखेंगे और इसकी भी, भाई आज तक टीवी में देखा था या बुक्स में पिक्चर वगैरह देखी थी थोड़ी बहुत। एक्सक्यूज मी को ना वो दिखाता हूँ जहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग हुई थी, जो नॉर्मली हमने तो मूवियों में देखे जो उनके बेस पे मूवियाँ बनी हैं, लेकिन मैं रियल में देख पा रहा हूँ। इन्होंने मार्क कर रखा वहाँ पे, निशान डाल रखे हैं जहाँ जहाँ पे गोलियाँ चली हुई है। वैसे तो बहुत सारी चली थी लेकिन जो दिख रहे हैं बस निशान, ये गोलियों के निशान है भाई। ये भी गोली, हमारे गाइड है कहाँ गोली चली थी। हाँ वहाँ पे देखी भाई, ये सारा रीपेंट है थोड़ा बस टूरिज्म के लिए। बुलेट मार्क की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है भाई। 28 जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोर्ट चेतावनी दिए। यहाँ पे आपके वो रियल पे आके फील हो पाएगा कि वो माहौल क्या था, जो मूवियों में दिखाते शायद उससे तो 10 गुना माहौल होगा उस टाइम का। जा रहे फाइनली उस कुएं के पास जहाँ पे लोगों ने कूद के अपनी जान दे दी थी और कोई चारा भी नहीं था उनके पास। देखो, गोली से जान बचाने के लिए भागते भागते इस कुएं में गिर पड़े, इस कुएं में 120 मिनट तक शरीर निकाले गए। यार क्या माहौल होगा वो कुआ भाई, इसको पूरी तरह से कवर कर दिया गया है लेकिन देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बचने के लिए इस कुएं में कूदे थे। ये शायद वीडियो में आपको ना सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ दिख रही होगी लेकिन ना इतना बड़ा कुआ तो मैंने भी नहीं देखा, और इसमें जो उस टाइम का माहौल था वो इमेजिन करके आप दंग रह जाओगे। सब है ना एग्जिट की बाउंड्री पे गोलीबारी के निशान है, क्योंकि सब जिस तरह भी भागना चाह रहे थे भाग रहे थे। जाए तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितने बलिदान दिए हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो, अदरवाइज तो उस शासनकाल में हमारी इमेजिनेशन से परे है चीज़ें जो उन्होंने सही है मेरे हिसाब से, जो यहाँ पे आगे मैं फील कर पा रहा हूँ। इन्होंने शायद यहाँ पे एग्जीबिशन बना रखी है, देखते हैं अंदर। ये एग्जीबिशन के बारे में ये आप ना पॉज करके पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। चल भाई, फुल ऑन इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे, उस टाइम की रियल पिक्चर्स हैं, ये उस टाइम की रियल पिक्चर्स हैं जो कुछ रेयर हैं। सब तरह की इंफॉर्मेशन इसमें है कि ऑल ओवर यहाँ पे जो भी घटना हुई थी डायर को बरी किया गया, जितना हो सके एक्सप्लोर किया गया है, ब्रीफ किया गया है कि भाई कैसे क्या उस टाइम का माहौल था। आपको जो भी पढ़ना है इसमें पॉज करके पढ़ लीजिए। हर चीज़ को ब्रीफली शो किया गया है,
जो भी बारीक से बारीक चीज़ों को यहाँ पे कैसे ऑर्डर दिए गए, क्या माहौल था, क्या चीज़ें, बस यहाँ पे आके आपको कुछ चीज़ें पता चलेगी। कभी इन फ्यूचर अपने बच्चों को एक बार ज़रूर लेके आओ यहाँ पे, ताकि उनको हमारी हिस्ट्री के बारे में और ज़्यादा अच्छे से पता चले विद एग्ज़ाम्पल। जलियांवाला बाग की आपको मैंने सैर भी करा दी, मैं खुद भी घूम लिया हूँ। अब हम जा रहे हैं किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो भी आसपास लगेगी। हाँ भाई, क्या सीखा? सब कुछ जो आज तक है ना किताबों में पढ़ा था, थोड़ा बहुत हमने मूवियों में देखा था, आज हमने पर्सनली रियल देखा है। तो रियल देख के यहाँ पे एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है भाई। 1650 हुए थे राउंड, 10 एक गोली, एक पिस्टल में कितनी, मतलब ये राउंड बता देना तुसी दा। ठीक है, मेरा दिमाग लोगों पे गोली यहाँ से चलाई गई थी, यहाँ से फायर किया गया था और भगदड़ यहाँ पे मची थी। अब तो ये बस एग्जीबिशन के बेस पे चीजें बना दी गई है। दिस इज द सेंटर जहाँ से खड़े होके पूरी टीम ने गोली चलाई थी। सरपंच जी तो चल दिए इधर देखी भाई, मेरी वीडियो ना बनाता। जलियांवाला बाग शॉपिंग के लिए तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ यहाँ के कल्चर की चीज़ें और जो नॉर्मली कपड़े वगैरह होते हैं कि भाई एक मेमोरी हो जाए कि हम अमृतसर से लेके आया था। तो काफ़ी स्टफ है यहाँ पे देखने का, क्राउड तो पूरा दिन रात चलता रहता है। मैंने रात की वीडियो भी दिखाई थी आपको, और ये तो है ही भाई। इनको बाहर के खाने में थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, कह रहे कि पक जाए तो मैकडी पे आया। चल हटना है, चलो भाई खा पी लिया अभी, और खा पी के अब निकल चुके हैं किसी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ का कल्चर है ना अच्छा कल्चर है कि भाई अपनी जिम्मेदारी समझ के काम करता है हर कोई।